हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सानिया परवीन और आप देख रहे हैं सानिया फूड जंक्शन। तो जी, आज रमज़ान स्पेशल में मैं लेकर आई हूँ स्प्रिंग रोल की रेसिपी, जिसे हम बाज़ार में मिलने वाले सीड्स से नहीं, घर पे खुद सीड्स बना के तैयार करेंगे। और ये बहुत ही क्रंची, स्पाइसी और मज़ेदार सा बन के तैयार होता है। तो आइए सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वेज स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हम सबसे पहले डो को तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने एक बोल में डाला 1.5 कप मैदा, इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक, 2 से 3 टेबलस्पून रिफाइंड का ऑयल, और बस इसे हम मिक्स करके एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा मुलायम, मीडियम सा डो हमें तैयार करने हैं। यहाँ पर हमने रूम टेम्परेचर वाली पानी ले लिया और उसी से हम डो बना लेंगे। डो बिल्कुल रेडी है, अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। और अब मैं आ जाती हूँ फिलिंग्स बनाने की तरफ, जिसके लिए हमने एक पैन में 2 से 3 खाने का चम्मच रिफाइंड का ऑयल डाला, और यहाँ पे मेरे पास है 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्चें, इसे डालेंगे और 8 से 10 सेकेंड सौते कर लेंगे। हमें हरी मिर्च को बिल्कुल भी ब्राउन नहीं करने हैं, बस थोड़े से सौते करने हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मेरे पास 1 कप बारीक कटी हुई अनियंस है, 1 कप बारीक कटी हुई बंद गोभी है यानी कि कैबेज, 1 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, और आखिर में डालेंगे 1 कप जूलियन में बारीक कटी हुई गाजर। और इसे डालकर हम अच्छे से 10 से 12 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे हाई फ्लेम पे। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च की पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ओरिगैनो, अगर आपके पास ओरिगैनो नहीं है तो फिर 1/4 टीस्पून क्रश करके आप कसूरी मेथी डाल लें। अब इन सबको हम 8 से 10 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे हल्का सा भून लेंगे। और बस ये रेडी हो गई हमारी फिलिंग्स। अब हम स्प्रिंग रोल के लिए सीड्स तैयार कर लेते हैं। वापस से डो को हम थोड़ा सा मिला लेंगे। अब इतने से डो में मैं 6 स्प्रिंग रोल बनाकर तैयार करूंगी, जिसे 20 से काटने के बाद 12 हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम नींबू से थोड़ी सी बड़ी साइज की बॉल्स बना लेंगे। अब हम एक बॉल्स ले लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे, और सिंपल जैसे रोटी बेली जाती है वैसे इसे हम बेल लेंगे। बस उससे ये साइज़ में थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। अब जो है हमें बहुत ही पतले बेलने हैं, जितना भी पतले हमसे बेल सकें, बस इतना नहीं कि इसमें क्रैक्स आ जाएं और सीड्स जो है वो फटने लगें। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसे काट ले रही हूँ, इससे जो है बहुत ही फाइन से कट के तैयार हो जाती हैं। आप चाहें तो चाकू से भी इसे काट सकते हैं। अब इस सीड्स में मैं 2 स्प्रिंग रोल रेडी करूंगी। एक सीड्स जो है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके ऊपर मैं फिलिंग्स डालूंगी। और देखिए, हम इसे इस तरह करके फोल्ड करेंगे। अब किनारों में हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, ताकि जो रोल है वो अच्छे से लॉक हो सके। अब देखिए, दोनों हाथों से इस तरह से कर लें ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए और थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए। अब जो है यहाँ पे एक रेडी हो गए। अब बाकी के भी डोसे हम इसी तरह से बना लेंगे। ये आखिरी भी रेडी हो गए। अब मैं इसे साइड कर ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा रिफाइंड का ऑयल कढ़ाई में ले लिया है, जो कि अच्छे से गर्म भी हो चुकी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे यहाँ पे हमारी जो ऑयल है वो गर्म हुई है। अब मैं इसमें बारी बारी करके स्प्रिंग रोल को डाल दूँगी, और एग्जैक्ट 3 मिनट के बाद मैं इसे थोड़ा सा चला लूँगी।
और वापस से 3 मिनट के बाद मैं इसे पलट ले रही हूँ। और इसमें मैं 2 और स्प्रिंग रोल डाल दे रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में काफ़ी स्पेस थे। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करने हैं। और यहाँ पे 7 मिनट हो चुके हैं, मैं पहले वाले स्प्रिंग रोल को निकाल ले रही हूँ और जो हमने आखिर में डाला उसे मैं थोड़ी देर में निकाल लूँगी। और यहाँ पे रेडी हो गए हमारे सारे स्प्रिंग रोल। अब मैं इसे गर्मा गर्म जल्दी से कट कर लूँगी और इसे सर्व करेंगे हम किसी भी अपने पसंद की चटनी के साथ और इसे गर्मा गर्म खाएंगे। तो ये रेडी हो गई हमारी आज की स्प्रिंग रोल की रेसिपी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।